कुछ अगर आप नया सीखना चाहते हैं, नया टेक्निक जानना चाहते हैं, नया टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। डेफिनेटली मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ही अमेजिंग टूल्स के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, और जो भी चीज़ें आप इसमें अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस होके अट्रैक्टिव और बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखें स्क्रीन पे एक लियापिक्स टूल है, या इसको आप वेबसाइट भी कह लें। इस वेबसाइट की मदद से आप कोई भी 2D का पिक्चर यानी 2D पिक्चर आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप ट्राई किए भी होंगे पहले, ये इसकी कुछ बात ही अलग है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे साइट को ओपन करता हूँ, आप देखेंगे साइट खुलेगा। साइट में फिर क्या करेंगे हम, इसकी जो है इसमें फोटो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद फिर ये कैसे कन्वर्ट करेगा 3D में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपसे डिमांड करेगा पिक्चर। सपोज मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लिया और यहाँ पे ओपन किया, ये प्रोसेसिंग होगा और आपको 3D में कन्वर्ट, साथ में एनिमेशन के साथ भी कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये पिक्चर, अगर मैं इसको पिक्चर को आपको दिखाता हूँ, सपोज ये पिक्चर देखें, ये रियल का पिक्चर है और इसको मैंने यहाँ से कन्वर्ट किया, ये एनिमेशन के साथ है। तो सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये फ्री ऑफ, ये जो साइट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्जर नहीं है। साथ ही साथ इस पिक्चर या ये जो आपने कन्वर्ट किया, इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो शेयर भी कर सकते हैं या फिर अपने सिस्टम में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब दिया यहाँ पे, या MP4 करके अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमाल का गजब का टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके सामने जो टूल है, वेबसाइट है 123 ऐप्स, यानी अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, आप कन्वर्जन का काम करते हैं, ऑडियो कन्वर्ट करते हैं, वीडियो कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारी फाइल्स को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको हर तरह तरह के या अलग अलग वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ जो आपका इसी वेबसाइट में अवेलेबल है। इस साइट को अगर ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऑप्शन दिए हैं, जैसे वीडियो टूल है, इसमें वीडियो एडिटर है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, मर्ज वीडियो है। आप एक एक ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे, कैसे वीडियो क्रॉप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें साथ इसमें दिया होगा। अगर आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये गूगल के एक्सटेंशन क्रोम का ये अवेलेबल है। फिलहाल अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे एक एक ऑप्शन को आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो रिकॉर्डर भी, ऑडियो टूल्स के साथ भी यहाँ पे ट्रिम है, ऑडियो चेंज वॉल्यूम है, चेंज स्पीड है, पिच, यानी कि आप इसको अगर जैसा करना चाहते हैं, पतला मोटा, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप PDF टूल्स में देख सकते हैं, PDF मर्ज कर सकते हैं, कॉम्प्रेस है, अनलॉक है, यानी पूरा जो है समंदर है नॉलेज का। ठीक है, आप जितने भी चीज़ जो आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे PDF फॉर्मेट को चेंज करना, उसको मर्ज करना, सारा एक ही साइट में, एक ही छत के नीचे सारा चीज़ है, यही इसका मतलब हो रहा है। फिर कन्वर्टर, ऑडियो कन्वर्टर, वीडियो कन्वर्टर, किस फॉर्मेट में करना, ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जो हम लोग जो स्क्रीन रिकॉर्डर करते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, तो हम उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया स्क्रीन रिकॉर्डर पे, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर अगर करते हैं तो सपोज स्टार्ट स्क्रीन पे करेंगे तो यहाँ पे देख इस तरीके का जो विंडो खुलेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि माइक्रोफोन का भी यूज़ हो जाए, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या चाहिए, विंडो पे, विंडो को करना है, क्रोम को करना है, या फिर इंटायर स्क्रीन, सपोज इंटायर स्क्रीन को करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हमने, शेयर यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग हो गया आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप मिनिमाइज करके भी देख सकते हैं, जो भी आप करेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे और फिर आप चाहते स्टॉप करना तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डन कर दिया, डन करने के बाद यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हैं। देखिए साइड में यहाँ देखिए सेव बटन पे है, अपने सिस्टम में सेव करके बाद में फर्दर इस पर और आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये अपना जो भी होगा यहाँ पे काम आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग हो गया आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप मिनिमाइज करके भी देख सकते हैं, जो भी आप, तो आपने देखा इस तरीके का ये ज़बरदस्त वेबसाइट है या टूल है, आप इसका यूज़ कीजिए और अपना काम को पूरा कंप्लीट कीजिए। ये 123apps.com कमाल का साइट है, कमाल का गजब का टूल, इसमें सारे चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है देखें नेक्स्ट जो है क्लिप ड्रॉप, ये तो खैर बहुत ज़बरदस्त है। चले इसको भी मैं दिखाता हूँ करके, इसमें क्या चीज़ें हैं।
मैं इस साइट को लिंक को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया ताकि जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रील लाइट यानी कोई पिक्चर को लेंगे यहाँ से और उसको अपने तरफ से लाइटिंग इफेक्ट डालेंगे। सपोज मैं यहाँ पे पिक्चर लिया, यहाँ पे MS धोनी का पिक्चर लिया यहाँ से मैं, और थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं ऐसे, ये भी जो है पूरा आपका फ्री में है साइट, ठीक है। यहाँ पे AI टूल पे अगर हम यहाँ देखें, इसमें कलरिंग है। उसके बाद यहाँ सपोज हमको क्या करना है, लाइट करना है ना, लाइट टू, लाइट वन। सपोज यहाँ पे तीन कलर दिए, यहाँ पे अगर हम ग्रीन वाले पे इसको और बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ देखें तो ये पूरा इस टाइप से पिक्चर दिखेगा। लाइट को अगर हम इधर से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से, तो ये इस टाइप से पिक्चर आपका इफेक्टिव बनेगा, ज़बरदस्त आपको दिखेगा, ठीक है। एक और कलर यहाँ पे है, ब्लू कलर को अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये इस टाइप से, यानी आप पिक्चर को लाइटिंग दे सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, लाइट टू, लाइट थ्री, जितने भी आप चाहेंगे, अलग अलग कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे करके, साथ ही उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल, सपोज पिक्चर को यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपका पिक्चर जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ देखें पिक्चर जो है डाउनलोड, इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं, आपका पिक्चर बन गया और जो आपने इफेक्ट डाला वो इफेक्ट यहाँ पे हो गया। तो ये भी कमाल का, देखें इस तरीके से पिक्चर आपको दिखा, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर दें। तो ये आपका जो क्लिप ड्रॉप रिलाइट, ये भी कमाल का टूल है, कमाल का वेबसाइट है। और लास्ट लास्ट में देखेंगे आज के वीडियो का लास्ट टूल है अनक्रॉप, ये भी फोटो के साथ काम करेगा। फिलहाल इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं और आपको साइट में लेके चलते हैं ये क्या काम करता है। मैं यहाँ पे इसको ओपन किया और यहाँ से हमें पिक्चर लाना है। देखिए पिक्चर क्या है, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज करके, इमेजिनरी करके क्रिएट करेगा। यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कुछ पिक्चर उठा के, यहाँ सपोज मैं ये पिक्चर यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टूल है ये क्या करता है, सपोज इसको हम लोग इस तरीके से, इसको थोड़ा इधर से मैं मूव कर दिया इधर, ताकि ये क्या देखना है कि ये क्या क्रिएट करता है, ठीक है। इसको और इसको इधर बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। चले अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये जनरेट कर रहा है ये पिक्चर में, ये अपने तरफ से ऊपर का पोर्शन को बना के दिखाएगा, क्योंकि हमने देखें ये ऊपर का पोर्शन को बना के दिखा दिया, ठीक है। नीचे का पिक्चर को लिया और गेस करके अपने तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को अप्लाई करके ये कंप्लीट पिक्चर को बना दिया। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टूल है, वेबसाइट है, इसका काम भी आप बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के लिए, इफेक्ट डालने के लिए आप काम इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टूल आपको मज़ा आया होगा देखने में, आप भी इसको अप्लाई कीजिए और यूज़ कीजिए और अपने वीडियो में, अपने फोटो में काफ़ी इसमें जो इफेक्ट डाला गया उसको अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।